हे गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। वैसे ये मिनी तो नहीं होने वाला है क्योंकि ये मिनी बनाया ही नहीं है, मैंने बोला ही है सिर्फ कि ये मिनी व्लॉग है। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने रिसेंटली अभी जो आर्ट वर्क्स किए हैं, मतलब कि जो भी मैंने स्केचेस बनाए हैं वो सब रिसेंटली भी, मतलब कि नहीं, कुछ काफ़ी दिन ही हो गए उनको बनाए को, बट मैंने वीडियोज पोस्ट कर दिए हैं, शॉर्ट्स किए हैं, बट मैंने सोचा एक व्लॉग ही ना निकाल दें। सो मैं लेके आ गई हूँ एक व्लॉग, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे और क्या क्या बनाया है इन दिनों में। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट स्केच मैंने बनाया है एक, मतलब क्लाइंट की तरफ से, उनके फादर मदर की एनिवर्सरी थी तो उन्होंने एक प्यारा सा पोर्ट्रेट बनवाया है। सो मैं दिखाती हूँ आपको, चलो फिर। अब कैसा लगा और कैसा नहीं लगा ये मैं आपको अभी नहीं पूछूंगी, ये आपको मैं ना एंड में पूछूंगी जाके। तो आगे देखते जाओ कि मैंने कैसे कैसे बनाए हैं। एंड ये सेकंड स्केच है जो मेरा, ये भी क्लाइंट की तरफ से आया था, उन्होंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना था, मतलब जो लड़का है और उनकी मदर है फोटो में। एंड चलो देखते हैं फिर कैसे बनाया मैंने। अरे चलो देखते हैं, नहीं यार देख लो, जो तुम्हें पसंद आता है तो देख लो, नहीं आता तो भी सही। हमारा थर्ड स्केच जो कि मैंने बनाया है सिर्फ 2 घंटे में, मतलब मुझे ना ऐसे, मैं अपने होम टाउन गई हुई थी और घर का काम करना था मुझे, तो फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला था कि भाई, और ऑर्डर्स भी ज़्यादा थे तो भाई टाइम ही नहीं लगता है घर पे, घर का काम करो या स्केच करो, तो मसा ही टाइम निकाल के मैंने एक स्केच बनाया और वो बहुत ही प्यारा बना। सच में मैंने दिल से बनाया था कि मेरा काम है भाई, मैं अपना काम ना करूँ क्या, इसलिए मैंने जो दिल से बनाया वो तो बहुत ही प्यारा बना। और ये एक प्यारी सी लड़की ने मुझे एक स्केच का ऑर्डर दिया था, खुद मतलब अपने खुद के स्केच का, मतलब सेल्फ पोर्ट्रेट का खुद के स्केच का। तो फिर यार बात तो वही हो गई ना, सेल्फ पोर्ट्रेट खुद का स्केच, अरे बड़ा कंफ्यूज होती हूँ मैं भाई, पूछो मत। चलो फिर देखते हैं। जो अब वाला स्केच है वो एक सरदार जी का स्केच, जो कि मेरे से पहले भी अपना पोर्ट्रेट बनवा चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि एक मेरी एक और पिक्चर बना दो। पहले इन्होंने विदाउट पग के मुझे वो स्केच का ऑर्डर दिया था, अब इन्होंने पग वाली फ़ोटो दी और इनको बहुत पसंद आया था, मतलब पसंद तो सबको ही आया स्केच, कोई कोई नखरे भी करता है कि नहीं अच्छा लगा, बट वो जब रियल में स्केच देखते हैं ना कि हाँ भाई बात तो है, फिर वो कहते हैं कि हाँ भाई अच्छा बना है। तो फ़ोन पे इतना क्लियरिटी एंड नहीं हो पाता, समझा करो। ये है मेरा लास्ट स्केच जो कि है एक कपल का पोर्ट्रेट, और न्यूली मैरिड कपल का पोर्ट्रेट, और ये बहुत ही प्यारा बना था, उनको बहुत ही पसंद आया। इसके बाद इन्होंने मुझे और भी ऑर्डर दिए अपनी फैमिली स्केच के, वो मैं आपको नेक्स्ट मतलब वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करके वो तब दिखाऊंगी मैं आपको, अभी आप इतना ही देखो यार, पर देख के जाओ जो इन्हें। पसंद
पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से, मतलब इस बार मैं वीडियो भी अच्छी बनाने वाली हूँ। इस बार तो मैंने खस्ती से बना दी कि भाई कुछ लैंडस्केप में बना दी, कुछ हॉरिजॉन्टल में बना दी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट व्लॉग में आप अच्छी सी वीडियोस बनाएंगे। तो बस फर्स्ट व्लॉग है यार गाइस, वेरी कंफ्यूजन होती है मुझे कि कैसे काम करना है, बट काम तो करना है। ओके बाय।